अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ जव्वाद और आपकी ला करता हूँ एक ना एक जबरदस्त ऑथेंटिक और सीक्रेट सी रेसिपीज। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इतनी जबरदस्त तहारी बनी है कि आप चिकन बिरयानी तक भूल जाएं। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बासमती राइस लिए हैं तकरीबन 2 kg और इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। इसके बाद फ्लेम ऑन और तहरी बनाने की रेसिपी स्टार्ट। तो कुकिंग ऑयल सबसे पहले 1 कप, इसके बाद खड़े गरम मसाले से काली मिर्च, दालचीनी, बादियान और लौंग, ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए सिर्फ ऑयल के अंदर। फिर ज़ीरा डाला तकरीबन 1 teaspoon, और इनको अच्छी तरीके से पकाए। जब इस पे कलर आ जाए तो फिर आप इसके अंदर अनियन डाल दें तकरीबन 1 piece, और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो तकरीबन 1.5 piece अनियन ले सकते हैं आप। ये जब ब्राउन हो जाए अच्छी तरीके से, देखिए कलर कितना अच्छा और ज़बरदस्त आ रहा है। उसके बाद आलू तकरीबन 1/2 kilo 1/4 करके मैंने, यानी कि 1 आलू में से 4 piece काटे, और अगर आप ज़्यादा तहरी के अंदर बड़े आलू पसंद करते हैं तो 1/2 भी करके डाल सकते हैं। इसके बाद टमाटर तकरीबन 2 piece मैंने डाल दिए हैं छोटे क्यूब में। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 2 tablespoon, और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। बहुत अच्छा टेक्स्चर आ रहा है। इसके बाद सौंफ और साबुत धनिया को बारीक बारीक कूटेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 teaspoon, नमक 2 tablespoon। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अच्छी तरीके से पकाना है ताकि खुशबू आ जाए आलू के अंदर इन सब मसाले की। अब इसके अंदर ग्रीन चिल्ली तकरीबन 6 piece, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 10 piece भी डाल दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए आलू अच्छे तरीके से हमारे मसाले में तर हो चुके हैं और मसाला भुन चुका है। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 liter पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। नॉर्मल वाटर डाल दीजिए या गर्म वाटर डाल दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसको हम आलू को पकने देंगे, गलने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ज़्यादा गलाने भी नहीं है, ज़्यादा हलवा हो जाएंगे ताकि दम में भी आलू पकते हैं और गलते हैं। इसके बाद मैंने पुदीना यानी मिंट तकरीबन 7 से 8 इसके अंदर पत्ते मैंने डाल दिए। बाकी जो चावल मैंने भिगोए हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब फ्लेम तेज़ करके आप इसको अच्छी तरीके से पकाएं। बासमती राइस में ये ख़ास बात होती है कि इनके चावलों में पानी देखना पड़ता है कि ज़्यादा पानी हो जाए तो ये चावल हलवा ना हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं, तो बहुत केयर करनी पड़ती है। ये देखिए पानी अब इसका तकरीबन खुश्क होता जा रहा है, अब ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम दे देंगे। अब दम तैयार है और हमारी तहरी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रेसिपी अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर दबा दें, इससे होगा मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स अपने स्क्रीन पे शो करूं तो प्लीज़ आप मुझको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करें ताकि मैंने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे कमेंट्स मैं मेंशन करूंगा अपनी वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो मिलता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।